एक कपकेक एंड एक चोकोलावा। तो आज का ब्लॉग ऐसे स्टार्ट हो रहा है बाहर से ही, क्योंकि आज मंडे था और मैं सवेरे मॉर्निंग थोड़ा लेट उठा था, क्योंकि कल रात को जबकि मैं असाइनमेंट लिख रहा था और लेट हो गया सोते सोते। तो आज लेट भी सवेरे उठा हूँ तो कॉलेज जा नहीं पाया, तो अभी निकला हूँ रूम से बाहर कुछ सामान लेने के लिए। तो वो सामान ले फिर वापस रूम पे आऊँगा। आज देखते हैं, कॉलेज तो गया नहीं तो पूरा दिन क्या क्या एक्टिविटी कर पाता हूँ मैं। ऐसे तो लिखना बहुत ज़्यादा है तो मैं ऑब्वियसली लिखूंगा ही। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। निकल चुका हूँ बाहर कुछ सामान लाने के लिए, तो जाता हूँ सामान लाने के लिए। तो मैं आप दुकान पर सामान लेने के लिए और जाते हैं सामान लाने के जाते हैं। तो सामान ले लिया तो जा रहे रूम के लिए, और रूम पर जाकर देखते भी क्या काम है रूम पर है नहीं। एक तो सवेरे कॉलेज नहीं जा पाए क्योंकि लेट उठा हमने, रात थोड़ा जग के लिखा था असाइनमेंट हमने, कॉलेज गए नहीं, टाइम पास बिल्कुल नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत लिखने के लिए था, वो तो मॉर्निंग कंप्लीट हो गया लिखते ही। लंच वंच करने के बाद बैठे हैं, बाहर इतना धूप है, कॉलेज भी नहीं गए, टाइम पास बिल्कुल ही नहीं हो रहा हमारा आज। हमारा नहीं मेरा, क्योंकि सब तो कॉलेज जा रखा है। बैठे हैं बस, दिन भी नहीं जा रहा है कुछ लिखने के लिए। अभी अभी फिलहाल लिखने के लिए नहीं है, सब कंप्लीट भी हो गया लिख के। जिम भी मैं शाम को जाऊंगा। बैठे हैं, कुछ टाइम पास नहीं है फालतू में। ये बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था रूम पे, तो मैं आ चुका हूँ बाहर थोड़ा सा कप के खाने के लिए। अभी मैं कप के खाऊंगा और फिर निकलूंगा जिम के लिए। तो जाते हैं दुकान पे अभी। तो मैं पहुंच चुका हूँ कप के की शॉप पे, अभी जाऊंगा थोड़ा कप के देखता हूँ कैसा सीन है। एक कप केक एंड एक चोकोलावा। क्या मैंने अभी थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही खाऊंगा, फिर निकलूंगा इसके बाद इधर से ही जिम के लिए सीधा। इधर से सीधे जिम पे, तो निकलते हैं यहाँ सब वर्कआउट खत्म। अब जा रहे हैं हम रूम पे, आज वर्कआउट पूरा अकेला करना पड़ा क्योंकि मेरा पार्टनर जिम का कोई आया नहीं है आज, अकेले मेरे को आना पड़ा आज। कोई नहीं, वर्कआउट भी खत्म होकर रूम पे जा रहे हैं। जिम के बाद डीमार्ट, मतलब फ्रेश वेश होने के बाद डीमार्ट आया हूँ, और डीमार्ट से कुछ काम था। और स्कूटी यहाँ लगाने का रीज़न है क्योंकि डीमार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और अगर यहाँ नहीं लगाऊंगा स्कूटी तो फिर दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उधर से निकालने में स्कूटी। तो चलते हैं डीमार्ट और देखते हैं क्या ले रहा हूँ डीमार्ट। अरे ये हेलमेट तो रखना भूल ही गया मैं। इसी भीड़ की वजह से मैं स्कूटी अपने अंदर लेके नहीं आता हूँ क्योंकि इतना भीड़ होता नहीं यहाँ पे, और एक बार लगा दिया स्कूटी यहाँ पे तो फिर निकालने में दिक्कत होगा। चल के अपना सामान लेके जितना चाहिए था मेरे को, और फिर जाऊँगा स्कूटी थोड़ा पास में लगा रखा हूँ, वहाँ से स्कूटी लेके फिर निकलूँगा अंडे लाने के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं, तो जा रहे स्कूटी के पास अपने। आ जा भैया, अभी जा तू। तो यहाँ से जा रहे हैं अभी, अंडे लेंगे और फिर निकलेंगे रूम के लिए। तो सारा काम हो गया मार्केट का, अब जा रहे रूम पे। तो बस